तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी रसोई में। और आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, और ये रेसिपी है गाजर और पत्ता गोभी की मंचूरियन, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो अब इसे बनाना कैसे है ये जानने के लिए मेरे साथ पूरी रेसिपी में बने रहिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी रसोई में। और आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है कैबेज और गाजर की मंचूरियन। और इसे बनाने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने कैबेज को अच्छे से धोकर ग्रेट कर लिया है, ये 1 कप है। मैंने गाजर को भी धोकर अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये भी 1 कप है। फिर मैंने यहाँ पर ये 1 कप मैदा ले लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये 25 से 30 कली लहसुन को छील कर ले लिया है, इसको हम बारीक बारीक काट देंगे। मैंने 3 मिर्ची ले रखी है, आप अपने तीखा खाने के हिसाब से ले लें, इसे भी हम बारीक बारीक काटेंगे। धनिया मैंने गार्निश के लिए बारीक बारीक काट लिया है, और स्प्रिंग अनियंस भी मैंने गार्निश के लिए बारीक बारीक काट लिया है। साथ में हम 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च लेंगे, या आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, आरारोट हो तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम ये चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो सॉस लेंगे। ये मैं आपको डालने के टाइम ही बताऊंगी कि कितना कितना लेना है। तो चलिए विधि को शुरू करते हैं। विधि को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल लेते हैं, दोनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें ये मैदा डाल लेते हैं, इसी मैदे के ऊपर 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च डाल लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। मसाले में दोस्तों हम 1/2 चम्मच के करीब हल्दी ले लेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेते हैं। और अब इसका एक बैटर बना लेते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसका बैटर बना लेते हैं। बैटर बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके पकौड़े छान लेंगे। गैस ऑन करके मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है कढ़ाई में। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये पकौड़ियाँ डाल देते हैं। पकौड़ियाँ आप अपने साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं, बड़ी छोटी। पकौड़ियाँ डालते वक्त आंच को तेज रखना है। तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, और मंचूरियन की पकौड़ियों का जो बैटर है वो आपको ज़्यादा गीला नहीं करना है। पकौड़ियाँ डल गई हैं, आंच को मीडियम कर दीजिए और लगभग 1/2 मिनट बाद इसको पलटिए ताकि पकौड़ियाँ एक साइड से सेट हो जाएं। पकौड़ों को मैं पलट लेती हूँ। आप साइड डाउन करेंगे। पकौड़ियाँ मैंने एक बार पलट ली हैं, और आप लोग अब इसे मीडियम आंच पर पलट पलट कर सेक ले पकने तक।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये पकौड़ियाँ हमारी लाइट ब्राउन रंग की हो गई हैं, इसका मतलब ये हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। जब भी आप पकौड़ियों को छानें तो आँच को मीडियम या लो कर लें, क्योंकि तेज आँच पे क्या होता है कि ऊपर से पकौड़ियों की परत जल जाती है और अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से सारे पकौड़ों को पहले फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, सारे पकौड़े हमारे छन कर रेडी हो गए हैं और अब मैंने गैस पर एक दूसरा पैन चढ़ा लिया है। इसको गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हम ये 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। अब इसमें मैं ये जीरा डाल देती हूँ। जीरा होने देते हैं। जीरा हो गया है। अब इसमें हम ये कटी हुई मिर्च डाल देते हैं और साथ में ये लहसुन डाल देते हैं और इनको चला लेते हैं कि ये थोड़े से ब्राउन हो जाएं। जब तक ये हो रहा है तब तक हम एक कटोरी में 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ले लेते हैं, या अरारोट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे ले लीजिए, और इसमें पानी मिलाकर इसका एक घोल बना लीजिए। इसको आप हिला हिला कर चलाते रहिए। जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, चलाने में मैंने थोड़ी देर कर दी, मेरा थोड़ा नीचे से ब्राउन हो गया है पर ख़राब नहीं हुआ है। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगे, इसमें आप ये कॉर्न स्टार्च का घोल डाल दीजिए। डालते वक्त इसको चलाते हुए डालिए, क्योंकि जो स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च होता है, नीचे बैठ जाता है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने ये 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो सॉस ले लिया है। आप इस पूरे को इसमें डाल दीजिए। आपको अगर तीखा खाना पसंद हो तो आप चिली सॉस की मात्रा बढ़ा लें या टमाटो सॉस बढ़ा लें, जैसा आपको अच्छा लगे। इसको मिला लेंगे। यदि आपको ग्रेवी के साथ मंचूरियन चाहिए तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए। आँच फुल रखिए। और बस अब हम इसमें ये सारे पकौड़ियाँ डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अपसाइड डाउन। अगर आपको ग्रेवी के साथ चाहिए तो आप पानी की मात्रा बढ़ा लें। आंच को आप बिल्कुल लो कर दें और इसे एक लिड से 2 मिनट के लिए ढक दें। तो लिड से ढके हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड को हटा देते हैं। देखिए आप, कितनी सुंदर सी मंचूरियन बन के तैयार हुई है। इसका टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इसको धनिया से गार्निश कर देते हैं और साथ में थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से भी गार्निश कर देते हैं। और अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, तैयार हो चुका है लाजवाब मंचूरियन। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसका टेक्सचर कितना सुंदर आया है। खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो मेरे कहने पर एक बार आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने परिवार को खिलाएँ। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।